Good morning, students. Today we will discuss about the Gauss's law of magnetism. ठीक है, Gauss's law electrostatic के केस में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है. ठीक है, electrostatic के केस में that is क्या होता है, integration over a closed path. ठीक है, will be equal to the 1 upon epsilon naught time the charge enclosed by that surface. ठीक है, that was the मैग्नेटिज्म ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे देखो इन दोनों का मतलब क्या हुआ. ठीक है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में ये जो लॉ हमारे पास मिल रहा था, ये लॉ किसे भी रहा था. ठीक है, एक क्लोज सरफेस हमने कंसीडर किया था, तो इसके थ्रू एक पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर साइड कर रहा था, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो बाहर की तरफ आती है. ठीक है, तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है दैट अ चार्ज कैन बी इन द सिंगल पोल. ठीक है, नॉट इन द डाइपोल. यानी कि एक चार्ज जो एक सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो वो बाहर की तरफ जा रही हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो बाहर की तरफ जा रही हैं, तो उसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स बन रहा है, तो फ्लक्स कितना आएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. ठीक है, कितना चार्ज सरफेस जो वो एनक्लोज्ड कर रहा है. उसी तरह से नेट में गॉसेस लॉ इन द मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म के केस में हम दो केसेस को स्टडी करते हैं यूजुअली. देखो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिज्म का केस लेता हूँ, इस तरह से एक डायपोल कंसिडर कर लिया, नॉर्थ साउथ डायपोल. ठीक है, तो अगर इसके सराउंडिंग में मैंने एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर कर लिया, तो देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती है, इन केस ऑफ द मैग्नेट फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप. कैसे, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, फिर साउथ से चलती हैं नॉर्थ की तरफ निकल जाती हैं. ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रही हैं, क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रही हैं. ठीक है, तो यहाँ से भी अगर इस तरीके से भी आ लेता हूँ, तब ये क्लोज्ड लूप ही बनाएगी. तो जब ये क्लोज्ड लूप बना रही है, यानी कि ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में इसका एंड हो जा रहा है, तो ये तो सरफेस से तो बाहर कुछ भी नहीं आ रहा. सरफेस के बाहर तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो. यानी कि टोटल फ्लक्स इन दिस केस विल बी इक्वल टू द जीरो. अब मान लो अगर मैं दूसरा केस कंसीडर करता हूँ, मेरे पास एक वो थी, मैं थी मान लेता हूँ इसको डायपोल को नॉर्थ एंड साउथ, और मैं सिर्फ इमेजिनरी सरफेस यहाँ पे कंसीडर करता हूँ. ठीक है, तो देखो ये गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, तो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्रॉ की, तो ये मुझे इस सरफेस पर यहाँ पे अंदर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है. ठीक है, कैसे अपीयर हो रही है ये मुझे, इनसाइड दिस सरफेस यहाँ पे साउथ पोल में. तो ये सारी सारी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की हो रही है, मुझे अंदर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है. तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि नहीं, यहाँ पे तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को क्रॉस करके जा रही है, तो दैट मीन्स फ्लक्स जो वो जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता. जैसे मैंने अभी यहाँ पे भी आपको डिस्कस किया कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, दे फॉर्म से क्लोज्ड लूप. अब देखो टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अगर इस सरफेस को क्रॉस करके जा रही है, तो उतनी ही तो साउथ से नॉर्थ की ट्रेवल करेंगी इस तरह से. तो ये दोनों मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एट द सेम टाइम वो बाहर भी तो आ रही हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर. क्यों, ठीक है, टोटल फ्लक्स इन, ठीक है, विल बी इक्वल टू द टोटल फ्लक्स आउट. तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, फ्लक्स इनसाइड माइनस ऑफ फ्लक्स आउटसाइड विल बी इक्वल टू द जीरो. यानी कि टोटल फ्लक्स जो इस केस में कितना हो गया, जीरो के इक्वलेंट हो गया. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डायपोल. ठीक है, तो हमें ये जो लॉ इसने दिया, तो ये हमें एक और चीज को कंफर्म करवाता है. वो क्या चीज है कंफर्म करवाने के लिए, ये बताता है कि आपका जो मैग्नेट है दैट नेवर एग्जिस्ट इन द सिंगल पोल. यानी कि आपका मैग्नेट कभी भी एक सिंगल पोल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, दे ऑलवेज बी एग्जिस्ट इन द डायपोल. ठीक है, यानी कि जब आप उस मैग्नेट को काटते भी चलोगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं. जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया इसके बारे में, तो छोटा से छोटा अगर पार्ट भी होगा, तब भी वो नॉर्थ और साउथ को ही रिप्रेजेंट करेगा. यानी कि आपका जो डायपोल है, मैग्नेट का डायपोल जो है, वो ऑलवेज बी एग्जिस्ट इन द
डाइपोल, ठीक है, यानी कि दो पोल में ही एग्जिस्ट करेगा। व्हेयरएस जबकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में पढ़ा था कि अगर हम सिंगल चार्ज में लेते तभी हमारे पास वैल्यू आ रही है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि चार्ज जो है सिंगल में एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि मैग्नेट जो है आपका कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गई बात सभी को, ये बस सिंपल इतना याद रखना है इसमें कि आप जो मेटल लाइंस ऑफ फोर्सेस है दे ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। क्या बनाती है ये? क्लोज्ड लूप। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द जीरो के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द गॉसस लॉ द इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिज्म। अच्छा नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ, और इसी चीज को हम और क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ठीक है। इससे होता क्या है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, दैट इज द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ भी जो है एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जैसे इनका मैग्नेटिक पोल जो होता है वो एक्चुअल नॉर्थ साउथ पोल से डिफरेंट होता है। ये होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ। जो जी जो इसके फुट में लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जियोग्राफिकल, ठीक है। तो जबकि मैग्नेटिज्म जो होती है वो कुछ इस लाइन्स के थ्रू होती है। मैग्नेटिज्म जो हमारी चलती है अर्थ में वो इस तरीके से चलती है, नॉट एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो हमारे पास अर्थ की जो मैग्नेटिज्म होती है दैट विल बी, ठीक है, कुछ इस तरीके से चलती है। तो ऐसा हमने स्टार्टिंग में जब इसके में स्टडी करना स्टार्ट किया तो ऐसा माना गया कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट जो है, एक लार्जर मैग्नेट जो है दैट इज बिल्ड इन साइड दिस अर्थ, ठीक है। एक अर्थ के अंदर जो इसको हमने बिल्ड किया हुआ, ठीक है, ऐसा कंसीडर किया गया, नॉट एग्जैक्टली नॉट, ठीक है, एग्जैक्टली मीन्स कंसीडर किया गया कि बहुत बड़ा मैग्नेट जो है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा लार्जर मैग्नेट जो है इसके अंदर बिल्ड करके रखा हुआ, ठीक है। उसकी वजह से जो है अर्थ के मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बट लेटर ऑन दिस वाज डिस्कार्डेड, ये सारा डिस्कार्ड कर दिया था, और कुछ एक थ्योरीज आई थी इसको प्रूव करने के लिए कि जो अर्थ की एक्चुअल मैग्नेटिज्म होती है वो किसकी वजह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक कंसेप्ट देखो, ये हमारे पास जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ होता है, तो यहाँ पे जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जो मैग्नेट का पोल होगा वो होगा साउथ पोल, और जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ जो होगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इसलिए इसको फुट में एम लिखा जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक पोल ऑफ द साउथ, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो अर्थ की मैग्नेटिज्म फील्ड आती है वो इस तरीके से आउट होती हुई नजर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिज्म जो है वो फॉर्म्ड होता है इन द मैग्नेटिज्म। तो ये तो स्टार्टिंग की कुछ एक थ्योरीज थी, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ एक थ्योरीज दी इन्होंने, थ्योरीज में हमें बताया गया कि जो मैग्नेटिज्म होती क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरी वाज दैट अजम्पशंस ऑफ द ड्यू टू द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, किसकी वजह से? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की वजह से। बट दिस वाज द लेटर ऑन टोटली डिस्कार्डेड, क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ में इतना मैग्नेटिक मटीरियल अवेलेबल ही नहीं है कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड को क्रिएट कर सके, ठीक है। तो ये पहला जो आपकी थ्योरी आई थी दैट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की वजह से ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकती है अर्थ, ठीक है। तो इसको टोटली नेग्लेक्ट कर दिया गया था, वो किस वजह से नेग्लेक्ट किया गया था, क्योंकि अर्थ में इतना ज्यादा मैग्नेटिक मटीरियल अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। उसी तरह से सेकेंड प्रेवलिंग थ्योरी आई हमारे पास That this magnetism is due to the sun, ठीक है। किसकी वजह से हो सकता है? सन की वजह से ये मैग्नेटिज्म हो, क्यों? क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस की, क्योंकि सन जो एक बहुत बड़ा मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक की तरह काम करता है। तो बोलते हैं अर्थ इज द पार्ट ऑफ द सन, अर्थ जो है वो तो सन का ही पार्ट है। तो इन्होंने अजम्पशंस की है, ठीक है, कि अर्थ जो सन का पार्ट है, दैट्स व्हाई देयर इज अ स्मॉल फील्ड ऑफ द मैग्नेटिज्म ड्यू टू दिस सन, ठीक है। उसी तरह से लेटर ऑन और भी ज्यादा इसमें थ्योरीज आई, जैसे थर्ड थ्योरी आती है ड्यू टू द आयंस इन द एटमोस्फेयर, ठीक है। और इन्होंने ट्रेवलिंग थ्योरी दी, क्या थ्योरी दी कि अर्थ के सराउंडिंग में जो होता है क्या होता है, आयंस आयनोस्फेरिक प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसमें नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस की भरमार होती है वहां पे, ठीक है, यानी बड़ी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है वहां पर, ठीक है। तो बोलते जैसे अर्थ रोटेट करती है तो ये चार्जेस भी क्या करेंगे, उसके साथ साथ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर चार्जेस अगर मूव कर रहे हैं तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा द चार्ज मूव्स इन
इट प्रोड्यूस द करंट, ठीक है, करंट को प्रोड्यूस करेगा, और मूविंग करंट विल आल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिज्म, ठीक है। अगर हम एक कंडक्टर का केस लेते हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, चार्जेस ही तो मूव कर रहे हैं, ठीक है, चार्जेस मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट जो है ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से क्या होता है, करंट जो है प्रोड्यूस हो जाता है। तो एक थ्योरी ये थी कि आयन जो प्रेजेंट है एटमोसफेयर में, ठीक है, उन आयन्स की वजह से भी क्या होता है, हमारे अर्थ में मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म जो है वो प्रिवेल हो रही है, ठीक है। तो दिस वन इज द थर्ड थ्योरी। उसी तरह से एक और थ्योरी हमारे पास ली थी, दैट इज कौन सी थ्योरी थी, नेक्स्ट थ्योरी बोली हुई थी ड्यू टू द मोल्टन कोर, किसकी वजह से, मोल्टन कोर की वजह से। अब आप लोगों को पता है कि अर्थ के सेंटर में एक मोल्टन कोर पड़ा हुआ है, ठीक है, अर्थ के सेंटर में क्या है, मोल्टन कोर पड़ा हुआ है ये सेंटर में, तो ये सारा क्या लिक्विड है, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं वो लिक्विड की फॉर्म में, तो वो ये जो लिक्विड की फॉर्म में है तो इसमें क्या होगा, आयंस अवेलेबल होंगे यहाँ पे भी, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस अवेलेबल होंगे। तो ऑब्वियस बात है जब अर्थ रोटेट कर रही है तो बोलते ये भी क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है अर्थ के अंदर, ये मोल्टन स्टेट की क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो उसी सर्कुलेशन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट प्रोड्यूस होने की वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द ड्यू टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बोलते हैं हमारा एटम्स जो है, हमारी जितने भी बॉडीज हैं इस अर्थ में यूनिवर्स में, दैट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटम, किसका कंस्टिट्यूएंट है, एटम का कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है हर एक चीज जब रोटेट करेगी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एटम से रोटेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भी करंट सर्कुलेट होगा, अगर करंट सर्कुलेट हो रहा है तो वो ऑब्वियसली मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करेगी। तो दीज आर द सम ऑफ द थ्योरीज व्हिच वर प्रिवेलिंग ओवर द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ, बट स्टिल इट इज नॉट एग्जैक्टली नोन, ठीक है, अभी तक इसका एग्जैक्टली नोन नहीं पता कि किस वजह से ये हमारे पास मैग्नेटिज्म जो है अर्थ की वो प्रोड्यूस होती है, स्टिल इट हैज टू बी अ डिस्कवर, बट दीज आर द सम ऑफ द प्रिवेलिंग थ्योरीज। को अपने साइंटिस्ट ने अपने कंसर्न रखे कि ये जो अर्थ की मैग्नेटिज्म हो सकती है वो किसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिज्म।